हेलो, नमस्कार दोस्तों। 20 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मेन से क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो आज का मेन से क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के बेसिस पे बनाया जाएगा। तो अभी इतना टाइम था नहीं कि क्वेश्चन बना पाऊँ, तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और मेनली जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वहीं से आपको क्वेश्चन है वो मिलेगा, तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको आंसर कहाँ कैसे अपलोड करने हैं वो आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है आज वो आया है मेनली टर्की के बारे में था। तो उसमें देखो कुछ बेसिक ज्यादा पॉइंट है नहीं हमारे काम के लिए कि एग्जाम में जो कुछ पॉइंट्स है वो काम आ सके। तो उसमें मेनली एक दो पॉइंट बस यही था कि टर्की में भी वहाँ पे जो बाकी प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली वहाँ पे डिक्टेटरशिप बनते जा रहे हैं, मतलब तानाशाह बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि वहाँ की जो जनता है वो भी उनके विरोध में हो रही है और उन्होंने सारी पावर वो अपने आप कैप्चर कर ली है। तो इससे वहाँ पे हालात है वो ठीक नहीं है। तो उसको लेके कुछ बेसिक सा पॉइंट था, बस यही काम की न्यूज थी हमारे लाइक, और ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। अब चलते हैं हमारे मेन आर्टिकल। तो मेन जो आज आर्टिकल है वो है आज इंडिया और ईरान रिलेशन के बारे में। तो आज दो आर्टिकल है, एक तो है इंडिया ईरान रिलेशन, दूसरा है इंडिया और नेपाल रिलेशन के बारे में। दोनों ही काफी अच्छे आर्टिकल हैं, उसके अलावा एक दो आर्टिकल और भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया ईरान रिलेशन के बारे में। तो देखो, हमारे सबसे GS2 के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया, आपको पता है कि इंडिया के पड़ोसी देश उसका रिलेशन है, उस वाले टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि भाई ईरान के रिलेशन वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें ईरान के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए और क्यों इसका फायदा क्या होगा। तो इम्पोर्टेंस इसलिए है, देखो सबसे बड़ी बात होती होती है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कि इंडिया, आपको पता है वहां से ऑयल और गैस, नेचुरल गैस है वो इम्पोर्ट करता है। तो एनर्जी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात आती है कि वहाँ की सिविलाइजेशन की, वहाँ की सिविलाइजेशन है उसके भी इंडिया के साथ काफी लिंक है, दूसरा पॉइंट आता है वो। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कनेक्टिविटी। अब देखो, कनेक्टिविटी दो तरीके से है। पहली तो है चाबहार पोर्ट की, इंडिया वहाँ पे चाबहार पोर्ट बना रहा है और चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया की कनेक्टिविटी होगी। और देखो अगला पॉइंट आता है, वो आता है कि अगर अफगानिस्तान के साथ इंडिया को कनेक्टिविटी करनी है या सेंट्रल एशिया के साथ अगर इंडिया को कनेक्टिविटी करनी है तो भी चाबहार पोर्ट इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि इधर वाले सीन में ऐसे आता है कि POK वाला एरिया वो पाकिस्तान के पास है। तो इसकी वजह से आपको पता है कि इंडिया सेंट्रल एशिया के पास कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, और इसी वजह से ईरान का इंडिया ईरान और इंडिया के रिलेशन दोनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और एक पॉइंट आता होता है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जिसके बारे में हमने प्रीलिम्स के वीडियो में काफी बार डिस्कस किया है, जो कि मेनली इंडिया को जो मॉस्को है, मॉस्को जो पोर्ट है वहां तक कनेक्ट करता है, मतलब रशिया तक कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करता है, और वो रूट होके जाता है ईरान से होके। तो इसलिए ईरान की इंपॉर्टेंस है वो बहुत है हमारे लिए। अगली बात आती है, देखो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी, तो अगर अफगानिस्तान में हमें सिक्योरिटी लानी है तो उसके लिए भी ईरान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज वहां पे मिलकर काम कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रेड है, ट्रेड रिलेशन तो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और असली पॉइंट आता है वो आता है वेस्ट एशिया की। देखो वेस्ट एशिया बोल दो से आप मतलब बाकी है कि वेस्ट एशिया हो या फिर से मिडिल एशिया की बात हो, इन सारी कंट्रीज में अगर हमें एक्सेस पहुंचानी है तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान, क्योंकि ईरान की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। तो इसलिए इन सारी रीजन की वजह से जो ईरान है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला एक पॉइंट आता है, वो आता है डायस्पोरा का भी, दे सकते हो कि इंडिया के काफी जो प्रवासी या काफी जो लोग हैं वो उस वाली कंट्रीज मतलब मिडिल ईस्ट में रहते हैं, इसके बाद ईरान में रहते हैं, तो वहां भी उनको काफी सारा रोजगार वगैरह मिले हुए हैं। तो इसलिए भी इंडिया की उस नजरिए से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ रीजन है हमने देखा कि जिनकी वजह से हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम क्या मतलब ईरान के रिलेशन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो होते हैं। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि भाई चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब इंडिया और ईरान के बीच में चैलेंजेस क्या है रिलेशन के बीच में। तो देखो सबसे बड़ी चैलेंजेस की बात आती है तो हम एक इसे ट्रायंगल से देख लेते हैं। मतलब भी वहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, सीन ट्रायंगल का सीन आ गया है। सीन ये हो गया है, एक साइड है इंडिया, एक साइड है ईरान, और एक साइड है US और इसराइल। अब देखो आपको पता है कि इंडिया के लिए US और इसराइल भी दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया के लिए US और इसराइल भी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस किया। और US और इसराइल का हमें काफी सा पता है कि देखो US से टेक्नोलॉजी का इशू देख लो, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो इसलिए US हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाइना को काउंटर करने के लिए, उन सारे रीजन के लिए। तो इसलिए इंडिया है वो ना तो रिलेशन खराब कर सकता है US इसराइल के साथ, और ना ही रिलेशन खराब कर सकता है चाइना सॉरी ईरान के साथ। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे है कि US और जो इसराइल है इनके रिलेशन ईरान के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे अभी देख लो आप ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी 2015 की, उसको भी यूएस ने एक्चुअली कैंसिल कर दिया, तो वो बात भी इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ईरान ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो कैंसिल हो गए, तो उस कंडीशन में होगा क्या, अगर वहां की यूएस की पार्लियामेंट अगर ईरान पे सेंक्शन लगा देती है तो उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन का इंडिया को भी फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया को फॉलो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया को अपने रिलेशन हो यूएस के साथ भी बचा के रखने को भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इंडिया एक तरीके से आप बोल सकते दबाव बोल सकते हो उसको कि इंडिया वो यूएस के कहने पर काम करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के रिलेशन के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना, अगर ईरान पे सेंक्शन लग रहे हैं तो वो सारा पॉइंट आता है।
आप समझ सकते हो कि एक ट्रायंगल किसी भी सिचुएशन में वो हो गई है, तो अगर यूएस और ईरान की रिलेशन अगर खराब हो रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है इंडिया पे पड़ेगा, तो एक ये पॉइंट आता है। अब सैंक्शन अगर लग रहे हैं तो इंडिया को ऑब्वियसली अपना जो ट्रेड वगैरह है, जो ऑयल इंपोर्ट वगैरह, वो कम करना पड़ेगा। अगर ऑयल इंपोर्ट कम करता है तो इंडिया के रिलेशन में काफी दिक्कत आएगी, जिससे काफी बहुत सारे इश्यूज आए। इसके बाद में एक रीजन से आता है कि देखो, ईरान पे बार बार आरोप लगता है कि ईरान है वो एक तो वहाँ पे हिजबुल आतंकी संगठन है जिसको सपोर्ट करता है, जो कि मेनली सीरिया में, मेनली फोकस सीरिया में काम करता है हिजबुल आतंकी संगठन। तो अब देखो, जो हिजबुल आतंकी संगठन, अगर इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई भी मुद्दा उठता है कि भाई ईरान है वो हिजबुल आतंकी संगठन आतंकवादियों को प्रमोट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इंडिया को उस कंडीशन में ईरान का साथ, इंडिया उस कंडीशन में ईरान का साथ वो नहीं दे सकता। क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया की तो हमेशा पॉलिसी ऐसी रही है कि भाई आतंकवाद का विरोध करना है, तो वो बात कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं होती है। तो एक तो ये भी मुद्दा इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसकी वजह से यूएस वो बार बार इंडिया को मतलब सैंक्शन लगाते हैं, तो इंडिया को दिक्कत आती है। क्योंकि सैंक्शन लगाते हैं तो उस कंडीशन में इन सारे मुद्दों को डिस्कस किया जाता है कि भाई देखो, तो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। और एक रीजन आप देख सकते हो कि तालिबान का, भी रिसेंटली आप देख रहे हो कि तालिबान को ईरान वो सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो उनका ये मानना है कि भाई अगर तालिबान को हम सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद मिलकर वहां पे अगर सत्ता बनी रहेगी अफगानिस्तान में, तो वहां पे शांति वो आ सकती है। तो इसीलिए अफगानिस्तान में शांति के लिए ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, और इसी के साथ जो रशिया है, वो सारे क्या करती है, सारी कंट्रीज है वो तालिबान को सपोर्ट कर रही है और तालिबान को छूट दे रही है कि भाई वो वहां पे सत्ता पे राज कर सके, मतलब वहां पे शांति वो बहाल हो सके। अब आप जानते हो कि इंडिया के लिए तो तालिबान है वो बिल्कुल खतरा है, तो इसलिए इंडिया इस मामले में, इंडिया के रिलेशन है वो ईरान के साथ अच्छे नहीं बन पाते हैं। और एक इश्यू आता है जम्मू एंड कश्मीर का, कि जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम के नाम पे वहाँ के जो प्रेजिडेंट है वो कई बार कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो वो भी इंडिया की यूनिटी के लिए अच्छे नहीं है। तो इन सारी कुछ रीजन देखे हमने, देखे कि जिसकी वजह से इंडिया के रिलेशन है वो मतलब उनमें तलखी है, वो आ जाती है, ये चैलेंजेस हैं। इसके बाद में भी देखते हैं, अभी रिसेंटली बात ऐसी है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं रोहानी साहब, वो इंडिया विजिट पर आए थे 3 दिन की, तो उस बात को लेके यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो देखो, आर्टिकल राइटर है वो मेरे लिए कह रहे हैं कि देखो, रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है फिलहाल। और अभी जो उनकी विजिट थी वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है, काफ़ी सारे MOUs वगैरह वो साइन हुए हैं। इसी के बाद में उन्होंने एक पॉइंट है, वो है फरजाद बी गैस ब्लो, बी गैस फील्ड। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली इंडिया की जो इंटरनेशनल ONGC की जो ब्रांच है, उसने वहाँ पे एक ऑयल गैस का एक वो था फील्ड था, मतलब एक ब्लॉक था, उसको आइडेंटिफाई किया था, जिसका जगह नाम था फरजाद। तो उसको लेके काफी इश्यूज थे, उस बात पे भी इंडिया के आपस में मतलब बातचीत हुई, तो उस पर भी कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट सामने आई है। इसी के साथ एक अच्छा पॉइंट इंडिया के लिए ये रहा था कि भाई इंडिया की जो रुपीज के टर्म में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अब ईरान में अलाउ हो गई है। पहले ऐसा था कि इंडिया की जो रुपीज की, मतलब इंडिया की जो करेंसी है रुपीज, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ईरान में अलाउ नहीं थी, केवल दो ही कंट्रीज में अलाउ थी, एक तो थी भूटान में, एक थी नेपाल में। मतलब क्या था कि इंडिया का जो रुपया है वो भूटान में चल सकता है पूरी तरीके से, और नेपाल में, मतलब वहां पे आप इस इंडियन रुपीस में इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हो। ईरान में अलाउ नहीं थी, तो अभी ईरान में भी अलाउ कर दी गई। तो ईरान में अगर इंडिया के रुपीस के टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसका फायदा होगा कि इंडिया है वो ईरान से, आपको पता है कि एनर्जी इंपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली इंडिया को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इंडिया पेमेंट करने में क्या होगा, इंडिया है अपनी करेंसी में पेमेंट कर पाएगा, जिससे इंडिया को ज्यादा एक तो फॉरेन करेंसी का वो इशू नहीं रहेगा। इसके साथ ही पेमेंट वो भी टाइम पे होता रहेगा, कई बार क्योंकि पेमेंट में काफी डिले होता था ईरान के साथ, तो वो भी कहीं ना अच्छी बात नहीं थी। इसके साथ जो क्रेडिट पीरियड था वो भी बढ़ गया, क्रेडिट पीरियड बढ़ने का फायदा, क्रेडिट पीरियड का मतलब हो जाएगा जैसे कि कोई भी इंडिया की कंपनी है, अगर वो ईरान से कोई भी एनर्जी है, मतलब पेट्रोल वगैरह कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करती है, तो उसके लिए पहले लाइन होती थी, मतलब क्रेडिट का टाइम होता था कि भाई आपको 30 दिन में, 40 दिन में, ऐसे कि इतने दिन पेमेंट करना होता था। खैर पहले वो था, वो 60 दिन का था अभी रिसेंटली, कि 60 दिन के अंदर लाइन ऑफ क्रेडिट होती थी, कि 60 दिन के अंतर्गत उस कंपनी को पेमेंट करना होता था। बट अभी क्या है कि ये क्रेडिट जो पीरियड था अभी बढ़ा दिया गया, तो इससे भी इंडिया को फायदा होगा। इसके साथ इंडियन रुपीज में इन्वेस्टमेंट होगी, तो इंडिया की रुपीज में भी वहां पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो पैसा देने की कोई ज्यादा इशू रहेगा नहीं। इसके साथ ही एक थी गैस पाइपलाइन का इशू था कि इंडिया से देखो, एक्चुअली मैंने मैप तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, आप मेनली बता दूँ आपको कि जैसे ये वाला पार्ट है इंडिया का है, और यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान और यहाँ पे ईरान है। तो पहले ईरान से लेके इंडिया के बीच में एक प्रस्तावित थी, केवल बनी नहीं थी, केवल प्रस्ताव हुआ था इस बात का कि भाई ईरान से लेके इंडिया में गैस पाइपलाइन है वो ले जाए। अब आपको पता है बीच में पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान के थ्रू उसकी बात की जा रही थी, बट पाकिस्तान को पता है कि बार बार टांग अड़ाता है, तो उसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना भाई डायरेक्ट सी वाला रास्ता है ना, इससे कनेक्टिविटी ले जाए, इससे ही जो गैस पाइपलाइन है वो बिछा दी जाए। तो उस बात के ऊपर भी कुछ बातचीत वो हुई है। इसके बाद में कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि देखो भाई, इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी होगी, इंडिया को अपने रिलेशन है वो यूएस के उनके साथ भी अच्छे रखने हैं और ईरान के साथ भी। तो इसलिए इंडिया को एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ग्लोबल लीडर बनना है, तो ग्लोबल लीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया को यूएस और इजराइल के दबाव में काम नहीं करना है। तो इंडिया को अपनी अप्रोच है, इंडिया का अपना डिसीजन वो खुद लेने होंगे, और कई इसके हार्ड डिसीजन है उन पे भी फोकस करना होगा। इसके बाद में बात आती है कि सेंट्रल एशिया,
कि देखो अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया में एक्सेस चाहिए तो उसके लिए गोल्डन वे है, गोल्डन वे है वो होता है ईरान के थ्रू। तो इसलिए इंडिया को रिलेशन वो इंप्रूव तो करने हैं बट बहुत सोच समझ के चाल चलनी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया केवल एक साइड ही देखे, इंडिया को काफी सोच समझ के स्ट्रेटेजिक रणनीति है उनका यूज करना होगा, तभी इंडिया को अच्छा रिजल्ट है वो मिलेगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है वो इंडिया और नेपाल के बारे में। तो सबसे पहले तो हम उसी पॉइंट को देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इंडिया और नेपाल के रिलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखो इम्पोर्टेंट होने का सबसे बड़ा रीजन तो आता है, एक तो नेपाल हमारा बहुत पड़ोसी देश है, पहला रीजन तो है। दूसरा इंडिया और नेपाल के बीच की जो मैत्री संधि है वो एक रीजन है। इसके बाद में इंडिया और नेपाल के कल्चर रिलेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, टूरिज्म सेक्टर वो कल्चर में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद में बात है कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर काफी ओपन है और रीजनल लीडर है उसके लिए भी इंडिया के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद में इंडिया को पता है कि इंडिया और नेपाल वो सार्क के भी मेंबर है। इसके बाद में बात आती है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो नेपाल है उसमें क्या है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की काफी एफिशिएंसी, मतलब वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो काफी मात्रा में लगाए जा सकते हैं बट अभी उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन वो नहीं हो रहा है। तो इंडिया, अगर इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे होते हैं तो इसलिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी उसके लिए फायदा होगा। इसके बाद में बात आती है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे अभी अभी आपको पता है कि नेपाल है वो इंडिया और चाइना के बीच में किसी बफर का काम करता है, और वैसे भी अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन है वो इम्प्रूव करने होंगे। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। देखो चैलेंजेस की बात ही आती है कि अभी कुछ टाइम से रिश्ते हैं वो ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब ज्यादा रिश्ते अच्छे नहीं चले, टूट फूट वाला सीन है वो चलता रहा है। अब इसके बाद में बात आती है कि क्यों भाई ऐसा हुआ क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है कि देखो नेपाल ने बना था अभी रिसेंटली संविधान, और उस संविधान में एक्चुअली जो रूल रेगुलेशन जो भी बनाए गए एक्ट वगैरह उनसे इंडिया को फायदा नहीं हो रहा था, मतलब उससे इंडिया को लॉस हो रहा था क्योंकि उसका एक तो जो वहाँ पे प्रांत थे, मतलब जो आप बोल सकते हो कि प्रोविंस जो बनाए गए थे वो इंडिया के लिए सही नहीं थे, जो प्रोविंस थे वो गलत बनाए गए थे तो उससे इंडिया को लॉस हो रहा था, तो एक तो वो पॉइंट था। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे जो मधेसी लोग थे उनको राइट्स वगैरह नहीं दिए गए थे। अब देखो मधेसी लोग हैं वो इंडिया और जो नेपाल का बॉर्डर वाला एरिया ना उस एरिया में वो लोग रहते हैं, तो अगर उनको राइट्स नहीं देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सारे लोग या तो इंडिया की तरफ आएंगे तो इंडिया को भी इससे ओबीसी माइग्रेशन का इश्यू होगा, इसके कारण उनको राइट्स नहीं मिले तो वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो कुछ लोग उनके जो मध्यस्थ के रिलेटिव वगैरह वो इंडिया में भी है, मतलब जैसे बिहार हुआ यूपी और देश के जो कोस्टल सॉरी कोस्टल का जो मतलब बाउंड्री वाले एरिया वहाँ पे रहते हैं मधेसी लोग, तो उनको दिक्कत है कि वो वहाँ पे जाएंगे तो लगती है अपने खिंचातानी तनाव आएगा, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं रिलेशंस के लिए कि बॉर्डर पे अगर कोई भी तनाव आ रहा है। तो इसके बाद में पॉइंट आता है कि देखो नेपाल लोग कई बार कहते हैं कि भाई साहब इंडिया है वो तो बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है और हमारी सॉवरेनिटी के मतलब से वॉयलेट करने की कोशिश करता है, और काफी बार ब्लॉकेट वगैरह लगाने की भी बात आती है। और अभी आपको पता है रिसेंटली जब वहाँ पे भूकंप आया था और उसके बाद ब्लॉकेट का एक इश्यू आ गया था कि इंडिया ने वहाँ पे ऑफिशियल अनऑफिशियल ब्लॉकेट लगा दिया था, तो उसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशन और ज्यादा बिगड़ गए थे। इसके बाद में बात आती है कि चाइना कार्ड का, तो चाइना कार्ड हमें काफी अच्छे से पता है कि नेपाल वो चाइना कार्ड खेलता है, वो भी उसके रीजंस भी पता है कि इंडिया के ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई इंडिया है वो नेपाल के पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप करता है और इंडिया है वो नेपाल की सॉवरेनिटी को भंग करने की कोशिश करता है, वो सारे चैलेंजेस हैं अभी इसके सामने। अब इसके बाद में बात आती है कि अभी हॉक है, अभी देखो रिसेंटली है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं नए प्रधानमंत्री है वो वहाँ पे बने हैं लेफ्ट विंग के, जो कि पहले भी प्रधानमंत्री थे और वापस उनकी सत्ता में आ गए, मतलब वो इलेक्शन जीत गए थे और वापस उन्होंने अपने कार्यकाल है वो संभाला है 5 साल के लिए। तो उस बात पर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो पहले डिफरेंसेस थे वो कोई बात नहीं है बट अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, और उस टाइम जब सिचुएशन थी मतलब रिलेशन खराब हुए थे उसकी सिचुएशन अलग थी, उस टाइम पर संवैधानिक क्राइसिस आ गए थे नेपाल में बट आज सिचुएशन अलग हो गए, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो वहाँ के अभी नए नए प्रधानमंत्री है ना ओली साहब वो लेफ्ट विंग के हैं और वो एक्चुअली चाइना को सपोर्ट करें और वो एंटी इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम की सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी कि वो इंडिया को सपोर्ट करें, तो वहां की जनता की डिमांड थी, उन्होंने जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग ही उन्होंने चाइना के साथ रिलेशन है वो इंप्रूव किए थे। तो अभी राइटर ये कह रहे हैं कि देखो रिलेशन है उनको हमें एक ट्रैक पे पटरी पे लाना होगा, इसी के साथ ही दोनों कंट्रीज हो एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया के लिए नेपाल इंपॉर्टेंट और नेपाल के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं दोनों के लिए जरूरती है, क्योंकि नेपाल को भी अगर कहीं ना कहीं पोर्ट वगैरह की जरूरत होती है, मतलब सी से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो उसको इंडिया की जरूरत है, दोनों को मतलब एक दूसरे की जरूरत है, ऐसी बात है। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो एक इश्यू आता है कि कई बार कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भाई तिब्बत है एक सॉरी आपको पता है कि चाइना का एक प्रांत है तिब्बत जो कि ऑटोनोमस प्रांत है, उस तिब्बत का काफी इश्यू होता है कि तिब्बत में भी रेलवे पाइपलाइन रेलवे लाइन है वो बिछाई गई है, तो वो रेलवे लाइन है वो एक्चुअली नेपाल तक कनेक्टिविटी एक्सेस कर रही है, तो उससे ये आरोप लग रहा है कि भाई अगर नेपाल में मतलब चाइना की प्रेजेंस आ गई तो उससे इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा होगा और इंडिया को रोष होगा। बट राइटर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तिब्बत की जो रेल लाइन है अगर वो नेपाल तक आ रही है तो उससे इंडिया को भी फायदा होगा,
क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है वो भी इंप्रूव होंगे, और इंडिया का जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो ट्रेड रिलेशन है वो और बढ़ेंगे चाइना के साथ, तो उससे इंडिया को भी फायदा होगा और कहीं ना कहीं नेपाल को भी फायदा होगा। और दूसरी बात ये आती है कि देखो अगर नेपाल डेवलप होगा तो इसलिए इंडिया को भी अच्छी बात है ना, कि सभी कंट्रीज देखो अपने अपने फायदा देखना चाहती है। अगर इंडिया अपने फायदे देखता है तो ऑब्वियसली नेपाल भी तो अपने फायदे देखेगा ना, तो इसलिए वो भी अपने जो भी रिलेशन है वो एक साथ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है नेपाल और इंडिया दोनों के साथ। इसके बाद में बात ये आती है कि रोजगार है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए देखा जाए तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि काफी लोग इंडिया में रोज मतलब इंप्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो पड़ोसी ही वो बात है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पड़ोसी को पड़ोसी की हेल्प है वो करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मैंने लिया है नेचर एंड सोशल पोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले नेचर पोल्यूशन देख लेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे सोशल पोल्यूशन। तो नेचर पोल्यूशन मतलब पर्यावरण का पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो है। यह मैंने लिया GS1 और GS3 के लिए। नेचर पोल्यूशन है वो आपको पता है सबसे पहले आ जाएगा, वो आ जाएगा मेनली GS3 में, और सोशल पोल्यूशन है वो आ जाएगा GS3 में। तो ये हम इनको देख करके डिस्कस कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल की शुरुआत की जाती है कि अभी जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें इंडिया की रैंकिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी आ गई थी। मतलब कि लास्ट के जो नीचे से चौथे नंबर पे इंडिया की रैंकिंग है वो आई थी आउट ऑफ 180 में से 177 इंडिया की रैंकिंग आई थी। तो ये बात इस तरफ इशारा करती है कि भाई एक तो इंडिया में पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो पोल्यूशन की जो डेथ हो रही है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब इंडिया में पोल्यूशन की वजह से काफी लोगों की जाने हैं वो जाती है, और काफी गंदे एरिया में लोगों को रहना पड़ता है, तो वो सारे रीजंस दिए गए हैं। इसके बाद में बात ये आती है सबसे बड़ी कि भाई अभी हम इसी स्टेज पर क्यों है, मतलब व्हाई वी आर हियर, अभी हम यहाँ पे क्यों है, इसके रीजंस क्या क्या है। देखो काफी सारे बाद में पॉइंट्स बताए गए कि देखो कई बार ये चीज न्यूज़पेपर में सामने आती है कि बेंगलुरु की एक लेक है वहां पे आग लग जाती है। आग इसलिए लग जाती है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल हो जाते हैं, मतलब पानी तो रहता है कम और केमिकल हो जाते हैं ज्यादा, तो उस कंडीशन में वहां पे झील है उसमें आग लग जाती है। अगली बात देखा तो गाड़ियों का ट्रैफिक है वो भी हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम होता है। देखो गाड़ियों का ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप बेसिक सी बात है, अगर गाड़ियों की संख्या ज्यादा होगी ट्रैफिक ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ट्रैफिक के टाइम पर अगर वेट करना पड़ा है सभी गाड़ियों को तो पोल्यूशन तो ज्यादा हो ही रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। तो वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कि देखो इन्वायरमेंट है वो कहीं नहीं सारी चीजों से प्रभावित हो रहा है। अब ये तो होगा इन्वायरमेंट वाले या नेचर पोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि सोशल पोल्यूशन या सोसाइटी पोल्यूशन, सोसाइटी पोल्यूशन है क्या। सोसाइटी पोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे की डिसरेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की ओपिनियन नहीं सुनना, एक दूसरे की ओपिनियन को क्रॉस करना, इसके साथ ही एक किसी एक आइडियोलॉजी को प्रभावित होकर दूसरे लोगों को परेशान करना, या फिर धर्म के नाम पर डिवाइड होना, मतलब एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, लोगों में असमानताएं बढ़ना, गरीब और अमीर के बीच जो गैप है वो बढ़ना, और गरीबों के प्रति लोगों के गरीब हैं उनको नफरत की नजर से देखना, गरीबों के प्रति डिसरेस्पेक्ट करना, तो ये सारी जो चीजें हैं ना ये आती है सोसाइटी पोल्यूशन में। मतलब सोसाइटी का भी प्रदूषण है वो हो रहा है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है ना उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है वो है सोसाइटी पोल्यूशन, कि हमारी सोसाइटी है वही पोल्यूटेड हो रही है और उसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारे देश में केवल कुछ लोगों को सोचा जाता है कि भाई ये लोग हैं इनकी जिम्मेदारी है सफाई करना। अब ऐसा थोड़ी कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी है वो सफाई करेंगे, सफाई तो सभी की जिम्मेदारी है ना। इन्वायरमेंट ये थोड़ी कि भाई गरीब लोग हैं उन्हीं के ऊपर इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी है, बाकी और लोगों की तो जिम्मेदारी है ना, इन्वायरमेंट का तो सभी लोग इक्वल यूज कर रहे हैं। इसके बाद में बात आती है, राइटर कह रहे हैं कि जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, वाटर इंडेक्स वो जारी किया जाता है, उसी तरीके से अगर हेट इंडेक्स या इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाए तो इंडिया की रैंकिंग है वो बहुत बेकार रहेगी। तो इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे की जाती है लास्ट में कि देखो लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर ज्यादा व्हीकल होंगे तो इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। राइटर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा व्हीकल्स होने से डेवलपमेंट नहीं होगा, हमें हमारी सोच वो बदलनी होगी। ज्यादा व्हीकल से डेवलपमेंट होता तो फिर तो बहुत भला हो जाता इतने में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें फोकस करना होगा कि भाई व्हीकल्स की संख्या में व्हीकल की जो संख्या वो कम की जाए, और हमें डेवलपमेंट या हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर फोकस करना होगा, ना कि हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो ज्यादा व्हीकल आने से पॉल्यूशन की संख्या बढ़ती हो रही है, ज्यादा ट्रैफिक होगा तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन है वो और बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए नहीं अच्छा है, हमें हमारी सोच बदलनी होगी। जब तक सोच में बदलाव नहीं होगा, जब तक हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तब तक हमें इस चीज का फायदा वो नहीं होने वाला। हमें हमारे इन्वायरमेंट को बचाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी सोसाइटी में जो पॉल्यूशन है उसको दूर करना होगा। तो ये था आर्टिकल। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल तरफ। अगला एक छोटा सा आर्टिकल है वो मेरे लिए GS3 से रिलेटेड है। इसमें पॉइंट है वो आए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के बारे में, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में एक दो पॉइंट है। तो देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब गवर्नमेंट स्कीम अलग अलग लेके आती है, जैसे कि LPG में है, LPG जो
गैस कनेक्शन सिलेंडर्स होते हैं वो जब हम भरवाते हैं तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है कि कस्टमर है जैसे 700 रुपये का सिलेंडर, तो कस्टमर ओरिजिनल 700 रुपये पे करता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, कस्टमर के अकाउंट में 200 300 जो भी सब्सिडी की अमाउंट होती है वो कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये होता था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बट यूरिया के मामले में, जो उर्वरक देखा जाए फर्टिलाइजर है यूरिया, इसके मामले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो कुछ अलग तरीके का है। वो किस तरीके से है, देखो एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में होता है कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे आते हैं, बट यूरिया के लिए जो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेके आई है आधार से लिंक, उसका नाम है आधार इनेबल फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम AEFDS। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई किसान है या जो भी फार्मर है वो जाएगा मतलब वितरण सेंटर पे गया, वहां पे उसने यूरिया या जो भी खाद वगैरह खरीदनी है वो वहां से खाद खरीदी, उसको सस्ते रेट पे वहां पे मतलब तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद होगा क्या, जो पैसा है ना आधार से डायरेक्ट लिंक हो गया है पे सारा सिस्टम। अब जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा भाई सब्सिडी पे तो दिया गया है, अब तो जो कुछ 200 रुपए 300 रुपए जो भी पर कट्टे के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा होगा मतलब जो गवर्नमेंट को पे करना है, वो पैसे डायरेक्ट कंपनी है उसके अकाउंट में चले जाएंगे यहाँ से। मतलब कस्टमर के भेजने की बजाय डायरेक्ट कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो उससे फायदा होगा कि एक तो कस्टमर को पहले पैसे ज्यादा नहीं पे करने होंगे, कस्टमर को जितने पैसे सब्सिडी के बाद देने उतने पैसे देने हैं। जैसे कि ये देख लो कि 700 रुपए का कट्टा है, अगर गवर्नमेंट उस पर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है तो कस्टमर को केवल 500 रुपए पे करने हैं। 200 रुपए डायरेक्ट अगर वहां से किसान ने कट्टा जो मतलब बोरिया कट्टा जो भी कुछ खरीदा वहां से, तो डायरेक्ट जो भी कंपनी या जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे एक तो ये हो जाएगा कि कस्टमर के झंझट खत्म हो जाएगा, कस्टमर को पैसे कब आए कब नहीं ऐसा कोई लोचा नहीं होगा, और कंपनी को भी कोई इशू नहीं रहेगा कि हाँ कंपनी देखेगी हाँ भाई इतने कट्टे की सेल हुई तो इतना मेरा पैसा है वो आ गया। तो इससे एक तो ये फायदा होगा। तो मैं बस यहाँ पे ये चीज समझने की एलपीजी में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो होता है कस्टमर के अकाउंट में, जबकि यूरिया के अंदर होता है वो यहाँ पे सिस्टम क्या गवर्नमेंट का उल्टा। तो इसका फायदा एक तो ये होगा, लीकेज हो कम होगी और कंपनी को भी कि कंपनी के पास भी पैसा वो तुरंत टाइम पे पहुंच जाएगा। अब कुछ चैलेंजेस की बात ही आती है कि देखो एक तो इंटरनेट का इशू रहता है, कई बार क्या होती है आधार कार्ड का इंटरनेट वगैरह वो काम नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर में आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं होती है, तो उसकी वजह से किसानों को दिक्कत होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप भी उठा रही है, और एक पॉइंट आता है कि अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ अभी देखा जा रहा है कि जो डीलर्स है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे डीलर्स को प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसलिए वो इस बिजनेस को छोड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि ताकि भाई डीलर्स को लॉस ना हो, क्योंकि देखो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं रहेंगे तो बेचेगा कौन फिर। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को भी थोड़ा बहुत फायदा है, गवर्नमेंट को कुछ कमीशन है वो बढ़ाना चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्ट्रीब्यूटर उसको लॉस ना हो। इसके बाद में बात ये आती है कि जो भी ऑडिट्स वगैरह है उनको हमें संख्या बढ़ाने की गवर्नमेंट को, ताकि ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ सके। और इसी के साथ तो किसानों को जो वेटिंग टाइम होता है, कई बार क्या होता है इसे जो यूरिया वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे तुरंत नहीं आते, किसानों को वेट करना होता है 15 दिन 10 दिन ऐसे। तो ये वेटिंग टाइम है ना किसानों के लिए कम होना चाहिए, ताकि किसानों को ज्यादा वेट ना करना पड़े और किसानों को इजीली एक्सेस है वो मिल जाए। तो ये इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग है वो करनी है। आप कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर वो कहाँ पे अपलोड करना है फोटोज वगैरह, तो जैसे आप कोई वो वेबसाइट है वेलकम यूपीएससी वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो आपको ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पे लिंक वगैरह वो मिल जाएगा, लिंक यहाँ पे नहीं मिला तो आपको कैटेगरी है किसी में यहाँ पे शो कर रहा है और किसी में यहाँ पे साइड मोबाइल वगैरह में आप देख लेना। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग के इसमें फोल्डर में ऑप्शन में जाना और यहाँ पे जो भी आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले से भी मैंने 20 का अपलोड नहीं किया आज का, तो अभी मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप आंसर राइटिंग पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है GS2 से टॉपिक वगैरह सारी पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे नीचे की साइड आपको देखो यहाँ पे ये लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक केवल आपको एक बार लॉगिन करना है। तो इस पर लॉगिन पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी आप अगर गूगल जो भी जीमेल अकाउंट उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर फेसबुक के थ्रू भी, या फिर ये डिस्कस है यहाँ का एक लिस्ट में भी आप नया अकाउंट है वो जनरेट कर सकते हो एक बार। तो आप जैसे कोई भी ऑप्शन ले लोगे फेसबुक वगैरह कुछ भी, तो जैसे कि आपको बताया तो मैं एक बार फेसबुक का यहाँ पे, तो फेसबुक से आप लॉगिन को तुरंत लॉगिन हो जाएगा, आपसे यस नो का ऑप्शन होगा। इसके बाद ये होगा कि आप यहाँ पे कन्वर्सेशन है वो अपनी स्टार्ट कर सकते हो, कि जैसे जो भी आपको कुछ टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एक फोन ऑप्शन आ रहा है यार फोटो का, यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप जो भी आपकी फोटोज है वो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली फोटो मैं एक बार अपलोड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप ये फोटो है ये आराम से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हो। तो इससे देखो फायदा ही होगा कि जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो बाकी लोग भी इसको रिव्यू कर सकेंगे। अब देखो ऐसा होता है कि सभी लोगों के पास अलग अलग पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये अपलोड हो गई है फोटो, तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ।
तो इस तरीके से आप ये आंसर है अपलोड कर सकते हो फोटो के फॉर्म में। तो इसके बाद में आप यहाँ से इसके बारे में रिप्लाई भी कर सकते हो कि आप इसमें इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। तो रिव्यू आंसर का रिव्यू करने का सबसे अच्छा फायदा है कि आपको कुछ पॉइंट वो मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई इस लड़के ने, इस बंदे ने ये अच्छा पॉइंट लिखा, इस बंदी ने अच्छा पॉइंट लिखा, तो इस पॉइंट को मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट से इनका फायदा उठा सकते हो। तो देखो डिस्कशन का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जितने ज्यादा लोग यहाँ पे शेयर करेंगे ना उनको उतना ही फायदा होने वाला है। तो प्लीज आप यहाँ पे जो आंसर है वो अपलोड कर सकते हो डेली। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उनका सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिर कोई इश्यू होगा तो फिर एक नया वीडियो बना के उसमें सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करा जाएगा। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।